नासिक रोड स्टेशन। दोस्तों आज मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं आज जा रहा हूँ मेरे होम टाउन नासिक रोड स्टेशन से। मैं मेरी ग्रैंड मदर को छोड़ने जा रहा हूँ, मेरी नानी को। तो मेरी जर्नी अभी स्टार्ट होगी। मेरी ट्रेन आने वाली है एर्नाकुलम। इट ऑलमोस्ट 5 o'clock, लेट हो गई वो 30 मिनट से, तो बट अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो विल मीट इन द ट्रेन। ओके, तो आ चुका हूँ। नानी, हाय, कैसे करो? हाय, ओके। अभी स्टेशन आया हुआ है मनमाड़ स्टेशन। सो फाइनली मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है। अभी मेरा वो बज रहे हैं 9 बज रहे हैं करीबन, तो सबने खाना खा लिया। घर से पैक करा के लाए थे मोस्टली। आई सजेस्ट जब भी आप ट्रैवल करें मोस्टली इतना खाना घर से पैक करा के लेना है। यहाँ का खाना आई डोंट नो कि अच्छा होता है, बट मोस्टली प्रेफर कि हम घर से लेके इवन वाटर बॉटल पानी सो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू थिंग्स। प्लीज़ जो भी चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं मोस्टली आप घर से बना के लेके आइए, क्योंकि हम लोग सुबह तो पहुँच जाने वाले हैं। सो एक टाइम का खाना घर से बना लेना। अभी यहाँ का टेम्परेचर, महाराष्ट्र का टेम्परेचर थोड़ा कम था, बट मुझे बाकी मेरे रिलेटिव्स ने बताया कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड ये मेरी 3-4 दिन की ट्रिप है, सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। देखो अभी बाहर इतना कोहरा है, इतनी ठंडी है यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत है, मतलब बहुत ठंडी है यहाँ पे। रात को इतनी ठंडी हो गई थी आपको क्या बताऊँ मैं। आप बाहर देखोगे तो बहुत 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 कोहरा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे भी। आप देख सकते हो बाहर पूरा कोहरा कोहरा दिख रहा है दूर दूर तक। सो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी थी और बहुत सारा रश था, सो हम फटाफट उतर गए। यहाँ पे अभी फिलहाल ठंडी है, आप देख सकते हो। ये ग्वालियर स्टेशन, यहाँ से मुझे दूसरी जगह जाना है, वो है भिंड। यहाँ से अभी मेरी ट्रेन आएगी 11:30 को, तब तक हम लोग वेटिंग रूम में ही वेट करेंगे। काफ़ी ठंड है यहाँ पे और मौसम मोस्टली ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सो सवेरे कोहरा भी था थोड़ा सा, बट अभी फॉग निकल चुका है यहाँ पे। एंड अभी धीरे धीरे सूरज भी निकल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें। तो गर्मी थोड़ी सी हो लगने चालू है, पर स्टिल आप देख सकते हैं सबने स्वेटर्स पहने हुए, मफलर्स पहने हुए और एवरीथिंग। सो ये है माहौल
डियोगा अंकल जी आराम से साइकिल चला रहे हैं स्टेशन पे, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। ठंडी का मौसम है।